देखो, हम सबके घरों में आलू पराठा बनता है, लेकिन क्या आपको पता है 5-स्टार होटल द ताज पैलेस में 450 रुपए का आलू पराठा मिलता है। जी हाँ गाइस, 450 रुपए का आलू पराठा। तो आज हम वही आपको दिखाने वाले हैं और उसको मैदान में उतारने वाले हैं एक स्ट्रीट साइड के 10 रुपए के आलू पराठा से और एक मीडियम रेंज के हल्दीराम के 100 रुपए के आलू पराठा से। तो देखते हैं आज विजेता कौन निकलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आलू के पराठा से। तो इसके साथ मुझे सब्जी भी मिली है, और क्या भाई, मुझे आलू की सब्जी मिली है, मुझे दाल मिली है मेरे ख्याल से, और साथ में मुझे मिला है एक सिंगल आलू का पराठा। देखो भाई, थोड़ा सा ठंडा हो गया है ये लाने में, अरेंजमेंट्स करने में, बट ये आलू का पराठा आप इसको देख सकते हो। ये एक सिंगल आलू का पराठा मुझे मिला है केवल और केवल 10 रुपया में स्ट्रीट साइड से। और इसके अरे भाई क्या क्या दिया है भाई, मान गया बंदे, प्याज दिए है मुझे, मिर्च दी है भाई, अपनी जान दे दे क्या वो, जान दे दे आपको अब 10 रुपए में। देखो भाई, थोड़ी सी कमी मुझे कंजूसी लग रही है आलू की क्वांटिटी में, थोड़ा आलू लग रहा है, पराठा ज्यादा लग रहा है, तो इसको ट्राई कर लेता ठीक है। मतलब दाम के हिसाब से आप और क्या उम्मीद करोगे, पराठा ठीक है, खा सकते हो। मतलब आपके घर में अगर घर से बेस्ट ऑप्शन दे रहे हो, कहीं नहीं है, घर पे खाओ, मक्खन लगा के बेस्ट है, बट ये पराठा ओके ओके है, पेट भरने वाली चीज है। अब हम बढ़ते हैं मीडियम रेंज के 100 रुपए के आलू पराठे की तरफ। मैं मतलब 100 रुपए का आलू पराठा आप एक्सपेक्ट करोगे कि भाई उसमें कहां से, मतलब शिमला से आलू लाए हो आप, बनारस से आलू लाए हो, कहां से आलू लाए हो कि आप 100 रुपए का बेच रहे हो, लेकिन हल्दीराम तो बेच रहा है 100 रुपए का। और भाई ताज के आलू कहां से आ रहे हैं जो 450 रुपए का एक आलू पराठा बिक रहा है, अभी पता लगाएंगे थोड़ी देर में वीडियो में। जितने आप मुझे ये बता दो कि आपके यहाँ आलू पराठा कितने का मिलता है। ये है हमारे पास कटलरी, है हमारे पास प्याज, और ये हमारे पास है दही। मतलब 100 रुपए में आपको चीजें काफी मिल रही हैं, ये फर्क है, वो भी वैसे 10 रुपए में आपको 2 सब्जियां तो मिल गई थी। ये है हमारा हल्दीराम का 100 रुपया का आलू पराठा। चलिए इसकी क्वांटिटी, आलू की क्वांटिटी चेक कर लेते हैं। भाई आलू पराठा में अगर आलू में कंजूसी कर दिए तो फिर काहे का आलू पराठा बेच रहे हो। आलू गिर रहा है तो मतलब आलू अच्छा है, आलू चेक है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं विद सम दही। फ्रेश लग रही है भाई दही। देखो पराठा बढ़िया है, गर्मा गर्म खाया जाए तो और बढ़िया लगेगा, बट कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा झिझकूंगा 100 रुपए एक पराठा के ऊपर स्पेंड करने में, चाहे वो जितना भी डिलीशियस हो। 450 तो बहुत ही सोचूंगा, बट ये टेस्ट वाइज डिसेंट है, बुरा नहीं है। गाइस अब हम बढ़ते हैं एक ऐसी चीज की तरफ जो चीज मतलब लोगों के रोंगटे खड़े कर दे। भाई कितने रुपए का आलू पराठा खा रहे हो? 450 रुपए का लाया हूँ यार, 450 रुपए का। पूछने वाला भी हैरान और बताने वाला भी हैरान। तो ये है 5-स्टार होटल द ताज पैलेस का टिप टॉप पैकेजिंग वाला, ये देखिए टिप टॉप पैकेजिंग वाला आलू पराठा। इसके अंदर हमें दो ही चीजें मिली है, MRP लगी हुई, योगर्ट, ग्रीक योगर्ट। भाई महंगा नाम, महंगा रेस्टोरेंट, महंगा नाम, अब दही नहीं बची, योगर्ट। तो हमें एपिगामिया का ग्रीक योगर्ट मिला है नेचुरल 55 रुपया का। ये देखो मतलब MRP लगी हुई है इसके ऊपर, चलो 55 तो ये हटा देते हैं, मतलब पराठे का दाम बचा अब हमारा 400 रुपए। 400 रुपए का पराठा दिखा दूं, तैयार हो? दिल थाम लेना अपना, धड़कन संभाल लेना भाई, फास्ट ना हो जाए। ये देख, ओए हो हो हो, साइज तो जबरदस्त है भाई। ये देखिए, ये है हमारा, ओहो, 400 रुपया का आलू का पराठा। मेरे मुंह से बड़ा है, हाँ मेरे मुंह से बड़ा है भाई, साइज तो अच्छा खासा है। मतलब अब इसका क्वांटिटी चेक कर लें, कि भाई आलू की क्वांटिटी चेक करना बहुत जरूरी है। वैसे इसकी फील भी बता रहा है कि इसके अंदर आलू अच्छा खासा है, थोड़ा सा ठंडा हो गया कि हमारे घर से थोड़ा दूर पड़ता है तो थोड़ा ठंडा हो गया। लेकिन अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं दही के साथ, यही वाली दही ट्राई करें। ये लग रहा है हमारा आलू का पराठा विथ फ्रेश ग्रीक योगर्ट भाई, ग्रीक योगर्ट। और यह आलू पराठा है जो मैं अभी खाने वाला हूँ, 400 रुपया का। मतलब एक बाइट ही मेरी 50 से 70 रुपए की एक बाइट मेरे मुंह में जा रही है अभी, ये देख रहे हो। चलो लेट्स ट्राई, कर लूँ ट्राई, पक्का अप्रूवल है। सेम है भाई, पराठा है भाई, वही आटा है, वही आलू है। तो आलू भी कोई इम्पोर्टेड नहीं लग रहे, नहीं मुझे आटा इम्पोर्टेड लग रहा है, पर मुझे दाम अभी भी नहीं समझ में आया कि मैं, चाहे बड़ी क्वांटिटी है पर इतना दाम क्यों पे कर रहा हूँ। नो डाउट आलू की फिलिंग बहुत ज्यादा है इस पराठे में, अच्छी खासी फिलिंग है, बिना कंजूसी वाली फिलिंग है, और टेस्ट भी एक मामले में अच्छा है। थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा मिर्च, थोड़ा सा और चटपटापन मैं मिस कर रहा हूँ, बट काइंड ऑफ मुझे टेस्ट डिसेंट लग रहा है, नॉट दैट ग्रेट बट डिसेंट लग रहा है। बट 450 रुपए का एक क्यों बिक रहा है? अगर आप लोगों को रीजन पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये भी बताइए कि आप खाना चाहेंगे 450 रुपए का आलू पराठा। और हाँ गाइस, अगली वीडियो में मुझे क्या ट्राई करना चाहिए 5-स्टार से मंगा कर, क्योंकि भाई आपको भी तो देखने को मिलता है हर हफ्ते ऐसी वीडियोस। तो प्लीज कमेंट करके बताइए, उस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, एंड मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ अगले जायके के साथ। तब तक के लिए दिस इज आयुष, टेक केयर गाइस, नमस्कार, बाय बाय।